संत और संसारी में क्या फर्क है? हो सके तो साइंटिफिक दृष्टि से समझाने का कष्ट करें। नीलम उपाध्याय, राजस्थान। संत और संसारी में क्या फर्क है? संत आयोजन करता है, शोरगुल से शोरहीनता की तरफ। शोरगुल में भटके हुए तुम लोग कैसे उस नी शब्द में, उस अशोर में, उस कोलाहलहीनता में प्रवेश कर जाओ? संत का मंतव्य यह होता है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो, तड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। फ्रॉम नॉइज टू नॉइजलेसनेस, शोर से शून्यता की ओर, शोर से चुप्पी की ओर, साइलेंस की ओर। संत वह जो आयोजन करे, और गृहस्थी कौन, संसारी कौन, असंत कौन? जो चुप्पी से शोरगुल की तरफ यात्रा करे, शोर कैसे बढ़ जाए इसका निरंतर प्रयास, कोलाहल कैसे बढ़ जाए इसका निरंतर प्रयास। इसलिए संत अगर आयोजन करेगा किसी सांसारिक वस्तु का, तो वह शोर को कम करने की चेष्टा करेगा। और संसारी अगर कुछ करेगा आध्यात्मिक, तो वह चुप्पी को बढ़ाने की चेष्टा करेगा, शोरगुल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। संत मन से अमन की यात्रा करता है, यानी शोरगुल से चुप्पी की यात्रा करता है, मौन की यात्रा करता है, और मौन से परम मौन में उतर जाने की कवायद करता है। और संसारी मौन से कोलाहलता का अंतिम सिरा कैसे छू लिया जाए उसकी चेष्टा करता है। सांसारिक व्यक्ति कोलाहल को पैदा करने की चेष्टा में रत रहता है 2400 घंटे, जिसे हम उत्तेजना कहते हैं, स्टिमुलेशन। वह सुबह उठेगा, शोर के डेसिबल को बढ़ाने की चेष्टा करेगा, शोर का सतर कैसे ऊपर उठ जाए। इसलिए घर घर आज कलेश। तुम कहते हो शांति नहीं है बाबा, हिमालय चले जाए, शोर का डेसिबल घटा लो, यही
हिमालय यही है। और हिमालय में जाकर भी तुम शोर खलार देते हो, जैसा भीतर होता है वही तुम बाहर बना लेते हो, रचना तुम्हारी भीतर की बाहर आ जाती है। संसारी वो जो चुप्पी से शोरगुल की चरम सीमा पर पहुंच जाए, कोलाहल की चरमता पर पहुंच जाए, चरम उत्कर्ष, और सन्यासी वो संत वो जो शोरगुल के चरम उत्कर्ष को शून्य डैसी बल पे ले आए, कोई शोर नहीं, सांसों को भी कहर देता है जरा आहिस्ता चलो, दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, मत धड़को, इतना शोर न करो, वो आ रहे हैं। मैं रोज देखता हूं अच्छे भले लोग जो शांत होते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, और जागरण जिसने रात्रि में जागरण किया वह सुबह बहुत शांत होना चाहिए। जागरण का अर्थ है अपने स्वभाव तक पहुंच जाना, जहां परम शांति और परम मौन का निवास। लेकिन तुम सारी रात चिल्लाते हो, गला फाड़ते हो, ऊंचे ऊंचे मां मां पुकारते हो, जा चो चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, लाउड स्पीकर लगा लेते हो, पहले छोटे माइक आज बड़े बड़े यूनिट लगा लेते हो, सारे शहर में आवाज सुनाई पड़े, शोर बिखर बिखर जाए, शोर का ही प्रभुत्व हो सारी तरफ, तुम क्या चिल्लाते हो यह सभी सुने। और सारी रात चिल्लाने के बाद सुबह तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है, कुछ शांति खो जाती है जो रात तुम लेकर आए थे, जिस तल पर रात तुम शांति के तल पर विराजमान थे वो सुबह तक नहीं होता, गायब हो जाता है। क्या हुआ? क्योंकि तुमने वो भीतर की शांति त्रोहित करती चिल्ला चिल्ला के, आ जाओ आ जाओ, ऐसे थोड़े कोई आता है। मैं अक्सर मंदिर में जाता हूं, शाम को लाउड स्पीकर ऑन कर लेते, मैं पुजारी से कहता ये क्या बकवास, अच्छी वाली शांति चल रही है, निर्जन वन में बैठे हैं हम, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इबादत का पता नहीं, कहते लोगों को पवित्र कर रहे हैं, लोगों के कानों में प्रभु का नाम डाल रहे हैं। और कानों में प्रभु का नाम डालो या गाली डालो, दोनों ही शोर है, दोनों ही कोलाहल है। प्रभु का नाम भी कोलाहल है, गाली भी कोलाहल है, ये बेचारा जानता नहीं, इसलिए सुबह की अपूर्व मौन में लाउडस्पीकर चला दे, जगा देता है, जबकि तुम चैन से सोए हुए थे, तुम ब्रह्म मुहूर्त में चैन से सोए होते हो, यह लाउड स्पीकर लगा के ऊंची आवाज में तुम्हें जगा देता है, तुम उसे पुण्य कहते हो, यह पाप।
एक आदमी सोया पड़ा है अपनी शांत निद्रा में, और यही तो बेला है सोने का। ब्रह्म मुहूर्त यानी वो मुहूर्त जो ब्रह्म का है, और ब्रह्म का स्वभाव क्या है? परम मौन, परम शीतलता, परम आनंद। अति शीतलता का आनंद जहां बरस रहा हो वहां ब्रह्म वर्षा करता है, ब्रह्म बरस रहा है। तुम स्पीकर इसके कान में उंडेल देते हो, हड़बड़ा के उठता है याद में, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, सुषुप्ति अवस्था में ही बड़े पाराम परम आराम से सो रहा था, तुमने इसके कानों में शोर शराबा शुरू कर दिया। ये शब्द तुम्हारे बनाए हुए हैं और शोरगुल मात्र से ज्यादा नहीं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, शब्द भीतर से गुंजारित भी हो रहा है, उसकी ओर चलो। और यही वेला है जब प्रकृति तुम्हें इस शब्द की ओर धकेलती है, उस शब्द के पास ले जाने की चेष्टा में निमग्न प्रकृति उसके काम में तुम खलल डाल देते हो। स्पीकर बजा के धुनि छेड़ के खलल डाल देते हो। यह बेचारा बड़े चैन से सोया हुआ था, ब्रह्मलीन ब्रह्म मुद्रा में लीन, और तुम इसके कानों के पास हड़बड़ाहट मचा देते हो शोर शराबे की। मुझे कहते हैं लोग, हम सुबह सुबह ईश्वर का नाम सुना के लोगों को परम पवित्र करते हैं। मैंने कहा तुम दुष्ट हो, क्योंकि कोलाहल से बड़ी अपवित्रता कोई है ही नहीं। बड़ी से बड़ी अपवित्रता अगर कोई है इस संसार में, गंदगी अगर है इस संसार में, तो वह है प्रदूषण ऑफ साउंड, कोलाहल की विषाक्तता। कोलाहल विषाक्तता पैदा करता है। शांति अमृत पैदा करती है। खामोशी है सोना, बोलना है चांदी। खामोशी है सोना, चुप हो जा, गर ईश्वर है होना, उसके समान ही होना चाहते हो तो उसके समान ही स्टेटस वाले बनो। वह मौन है, परम मौन है, और अगर तुम वही होना चाहते हो तो तुम्हें भी परम मौन ही होना पड़ेगा। समावेश चाहते हो तो तुम्हें उसके सम होना पड़ेगा। बूंद पानी में तभी समुद्र में समा पाती है जब बूंद समुद्र जैसी होती है। समुद्र का और बूंद का केमिकल फॉर्मुलेशन H2O समा जाती है। तुम इस शोर को साथ लेकर उस परम मौन और परम शांति में दाखिल ना हो पाओगे। आपको नो एंट्री का बोर्ड मिलेगा। पागलों को कोई आज्ञा नहीं, चीखने चिल्लाने वालों को कोई आज्ञा नहीं उसके दरबार में प्रवेश पाने का। उसके दरबार में
वो ही व्यक्ति प्रवेश कर पाते हैं जो परम मौन में उतर जाते हैं। ईसा कहते थे एक शब्द, आज मैं भी आपसे एक शब्द कहता हूं, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी साइलेंट जस्ट लाइक गॉड। जो परमात्मा के समान चुप होंगे वो हो मेरे ईश्वर के दरबार में प्रवेश कर पाएंगे। बोला तो ईसा ने भी यही था, लेकिन आप मतलब नहीं समझ पाए। प्रेम का अर्थ परम मौन होता है। मासूमियत का मतलब प्रेम परम मौन होता है। हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। मैं कहता हूं हु विल बी साइलेंट जस्ट लाइक ए गॉड। परमात्मा की तरह चुप होंगे वही परमात्मा के दरबार में प्रविष्ट हो पाएंगे। दूसरों को कोई आज्ञा नहीं, नो एंट्री। चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा गर ईश्वर है होना। ईश्वर जैसा ही बनना पड़ेगा। अगर समुद्र में बूंद समा जाती है तो ध्यान रखना, वह सम स्टेटस रखती है। दोनों का फॉर्मुलेशन सेम है, सेम होकर ही उसमें प्रतियुति हो पाती है, योग हो पाता है, मिलन हो पाता है, संयोग हो पाता है। संत में और संसारी में क्या फर्क है? तुम शांत को अशांत कर देना चाहते हो, वह संसारी। जो अशांत को शांति में तब्दील करने की कला जानता है वह संत। तुम हर चीज को स्टिमुलेशन में घसीट लेते हो और संत हर चीज को स्टिमुलेशन से नॉन स्टिमुलेशन पे ले आता है, अशांति से शांति की ओर, और असंत गृहस्थी, शांति से अशांति की ओर। इसलिए आज सारा संसार अशांत है। लोग मुझसे पूछ लेते हैं ये युद्ध उन्माद, धरती इनके साथ नहीं जाएगी, इतने लोग मरवा रहे हैं माई के लाल, आखिर कारण क्या है? मैंने कहा पागलपन, इन्होंने शांति खो दी, ये पागल खानों में बंद होने चाहिए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? इन चूहों ने ही तो इन बिल्ली को इजाजत दी है कि तू चाहे तो झपटा मार ले, खा जा चूहों को, इनमें कोई ताकत नहीं। इन्होंने अपने हाथ पांव कटवा के उस तानाशाह को दे दिए जो आज मन मर्जी कर रहा है। इनका कसूर है? उस तानाशाह का जरा भी कसूर नहीं, उसका तो स्वभाव ही ऐसा था, तुमने परख लिया होता। संत को जो स्वाद की उत्तेजना से अस्वाद की शांति में उतर जाए वह संत, और संसारी को जो अस्वाद को गहरा कर ले, जो स्टिमुलेशन को
उत्तेजना को बढ़ाता ही चला जाए, शोर को बढ़ाए, इतना बढ़ाए कि उसे चरम पर ले जाए, तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाए। और कानों के पर्दे फट जाते हैं तो तुम विक्षिप्त हो जाते हो और तुम्हें पागल खाने में जमा करा देते हैं। जाओ, अब तुम इस योग्य हुए, यही मंतव्य था हमारा। संत वह जो तुम्हें उत्तेजना से निर उत्तेजना की तरफ ले जाए, जो तुम्हें शोरगुल से शांति की तरह कोलाहलहीनता की तरफ धकेल दे, और असंत वह जो तुम्हें शांति से बाहर पकड़ के खींच ले और भरे कोलाहल के अंदर घेर दे, इसी को ही कहते हैं कुंभी पाप नरक। ये जो व्यवस्थाएं बनाई थी उसके गहरे भेद आप समझ ही नहीं पाए। जहां चीत्कार हो रही है, पुकार हो रही है, मल मूत्र की सड़ांद है, मवाद की सुगंध सड़ांद है, सुगंध का नामो निशान है, खून और मवाद से सनी कोलाहल से युक्त वाणी उन प्राणियों की जो हाय तोबा मचा रही है, वह ही तो नरक कहलाती है। और तुम नरक कहीं ढूंढने की चेष्टा भी मत करना, ये पागलों की ईजाद है, यही भुगत रहे हो रोज मैं देखता हूं। बाबा मैं बहुत दुखी हूं, इससे बड़ा नरक और कहां पाओगे? इससे बड़ा नरक भी कहीं है? तुम कामना कर सकोगे, तमन्ना कर सकोगे? कुंभी पाक नरक में तो शायद तुम्हारे इस नरक से कम दुख की व्यवस्था होगी, वह फिर भी सुख दे देता होगा, लेकिन यहां तो हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम मरे जा रहे हो और रोज चिल्लाते हो, कभी संत शरण में जाते हो, यहां तक कि तुम मूर्तियों की शरण में जाते हो जो तुम्हें पता है कि हमने ही बनाई। हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। भगवान के आके जाके नतमस्तक होता है, प्रभु ये तूने क्या किया, मुझे क्षमा कर। किया उसने, खुद आपने, दोष भगवान पे कि तूने क्या किया। बुत परस्ती का ये अनोखा अंदाज, जिन्होंने भी ईजाद किया था, मूर्ति एक कायदा है, अल्फाबेट काखा गा एबीसी, यहां से आगाज कर लो, लेकिन तुम वहां पर मुकाम डाल लेते हो, तुम उस सराय पे अपना घर डाल देते हो, पक्का मकान, और कहते हो बस यही है। लेकिन सिखाने वालों ने, बताने वालों ने तो ये आगाज मात्र किया था, जड़ से चेतन की ओर, जड़ से परम चेतनता की ओर, जड़ से सुपर कॉन्शियसनेस की ओर, परम चेतना की ओर, जड़ से शुरुआत करो, जैसे प्रकृति करती है, पत्थर से शुरू करती है, परम चेतनता तक तुम्हें ले जाती है। ऐसे ही तुम जड़ से शुरू करो, तुम्हें समझाया गया था
तुम जड़ से चिपक जाते हो, उसके चरणों के साथ लिपट जाते हो। यही तुम्हारी मूर्खता है। बुत प्रस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। तुम अपने ही बनाए हुए भगवान के बुत के साथ, स्टैचू के साथ पांव में लिपट के रोते हो। होता जो तक कुछ नहीं। कभी बुतों से पूजा तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकती है? मुश्किल, असंभव। बुत बनाए थे सिर्फ आगाज करने के लिए। अंजाम के लिए बुत नहीं बनाए थे, तुम तो आगाज को अंजाम समझ बैठे। तुमने तो उसी के ही चरण पकड़ लिए। वह बेचारा बोलेगा क्या? और फिर दुर्भाग्य, हमारे पंडितों ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा, शोभा यात्रा के कलश निकाले गए, ड्रामेबाजी की गई, लोगों में जचाया गया, बार बार रेपिटिशन किया गया, जच गई बात के हां ये मूर्ति में प्राण आ गए भगवान के, मूर्ति में चिन्ह में बस गया। सिर पर कलश लिए, ये मूर्ख लोग तुम्हें चक्कर लगवाते हैं शहर का। ढोल नगाड़ों की व्यवस्था होती है और फिर आयोजन किया जाता है, अन्न का धन का लंगर बांटे जाते हैं, सब मूर्ता, सब ड्रामे बाजियां, सभी सर्कस। सर्कस करने के बाद तुम मान लेते हो इतनी रेपुटेशन होती है। भागवत के सप्ताह को लाए जाते हैं और ना जाने क्या क्या मूर्खताएं गढ़ी जाती हैं, और अंत में तुम मान लेते हो कि बस करो बाबा, हमने मान लिया कि यह मूर्ति चेतन हो गई। फिर उसी पत्थर के आगे आपके सिर झुकते चले जाते हैं, ये फिर रेपिटेशन हो गई। रेपिटेशन पे रेपिटेशन पे रेपिटेशन, और ये रेपिटेशन एक दिन सच्चाई में बदल लेते हो तुम साइकोलॉजिकल, अपनी मानसिक सतर पर, यद्यपि उस स्टैचू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं। वह स्टैचू जब भगवान बनेगा तब बनेगा, ईश्वर इच्छा से प्रकृति के विधान से बनेगा एक दिन, लेकिन अभी नहीं। अभी तो उसे पत्थर ही रहने दो, उस पर कृपा करो। प्रकृति के नियमानुसार जब यह अपनी चेतना का विकास करेगा तो मानस जन्म तक पहुंचेगा और मानस से फिर ये मुक्ति की तरफ जाएगा। यह है स्वाभाविक यात्रा, अभी इसे पूजना बंद करो, अपना ही नुकसान करोगे। उसको तो पता भी नहीं बेचारे को कि मेरी पूजा हो रही। ऐसा पागलपन तुम्हारे सड़े गले दिमाग व्यवस्था पैदा करते हैं। गाए बजाए के फांसी दियो चढ़ा, खूब शोभा कलश यात्राएं निकाली जाती हैं, ढिंढोरे पीटे जाते हैं, सारे शहर में देख लें, सभी देख लें, ऊंची ऊंची आवाज में स्पीकर लगाए जाते हैं। एक मृत पत्थर चेतनता की तरफ अग्रसर हो रहा है, तुम्हारे दिमागों में सच में नहीं अग्रसर होता। सच में तो तुम ही अग्रसर हो जाओ, इतना ही बहुत है। तुम तो चेतन हो, तुम स्वयं को ही चेतन बना लेते,
इतना पंगा खाना करने की बजाय तुम खुद ही अपने भीतर उस चेतनता की तलाश कर लेते तो कितना अच्छा होता। क्यों लोगों को भरमा रही हो? लेकिन हमारे ये पंडे, पुजारी, पुरोहित, पादरी, ये सभी एक कसम खा रखी है इन्होंने कि मानवता की चेतना को जड़ से ऊपर लेके जाना ही नहीं, वरना अगर थोड़ी बहुत चेतनता इसने पकड़ी भी है तो उसको